Assalamualaikum, I am Amar Ishtiaq. Today we will discuss FSC Chemistry Part 1. We are going to start chapter number 4, which is about liquids and solids. तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की स्टेट्स की, वो किस तरह के स्टेट पे होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स, इनके दरमियान फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, इन फोर्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में आपने क्या पढ़ना है, तो आपको पता है कि मैटर जो है वो फोर स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लाइक कोई भी मैटर है आपके सामने, कोई भी चीज़ है, या तो उसकी स्टेट सॉलिड होगी, लाइक दिस मार्कर, इसकी स्टेट सॉलिड है, या आपके पास अगर कोई पानी का ग्लास पड़ा हुआ है तो उसमें पानी की स्टेट लिक्विड है, या फिर आपके अराउंड जो गैसेज हैं, एटमोसफेयर है, इनकी स्टेट गैसेज स्टेट है, ठीक है। तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीन स्टेट्स तो कॉमन है जिनको आपको पता होगा, लेकिन एक अनकॉमन स्टेट प्लाज्मा स्टेट भी होती है, ठीक है। वो ज्यादा कॉमन नहीं है, इर्द गिर्द आपको ज्यादा नजर नहीं आती है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ पे मौजूद है, तो इसलिए हम मेजरली थ्री स्टेट्स की ही बात कर लेते हैं कि मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कौन सी स्टेट को कहा जाता है, तो देखिए ऐसी स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स कम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान ज्यादा स्पेसेस नहीं है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान कुछ हद तक स्पेसेस मौजूद होती हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ दूर दूर हैं और ज्यादा कम्पैक्ट या ज्यादा जुड़े हुए हार्ड नहीं होते हैं लिक्विड्स फॉर्म में, ठीक है। और गैसेस क्या है, गैसेस के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा लार्ज स्पेसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी आपको इनके मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस से पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी, जाहिर है जो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा थी, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बिल्कुल एक साथ जोड़ लिया या इकट्ठे हो गए, कम्पैक्ट हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इन तीनों स्टेट में, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होगी, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं, और इनकी क्लोजनेस की यही वजह है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, जिन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ लिया हुआ है, ठीक है। लिक्विड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ हद तक कम होंगी, तभी ये एक दूसरे से कुछ फासले पे हैं और इनके दरमियान कुछ स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं। नेक्स्ट, अगर गैसेस की बात करें तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती तो है, लेकिन इंतहाई मिनिमाइज, बहुत मिनिमाइज फॉर्म में होती हैं, कम सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। देखिए स्पेसेस की अगर हम बात करें तो आपके सामने एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे पास एक डस्टर है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसमें से अगर मैं फिंगर पास करना चाहूँ तो मेरी फिंगर आगे नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, मॉलिक्यूल्स कम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और सॉलिड्स में मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, दैट इज वाई मेरी फिंगर इसमें से पास ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर लिक्विड्स की बात करें तो पानी में अगर आप अपना हाथ घुमाते हैं या फिंगर घुमाते हैं तो वो मूव कर रही होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लेकिन आपकी फिंगर मूव कर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं। और अगर गैसेस की एक सिंपल एग्जांपल है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कि अगर गैस में, देखिए मेरे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, ऑल टाइम हमारे इर्द गिर्द एटमोसफेयर की फॉर्म में हवाएं या गैसेस मौजूद होती हैं, इस गैस में मेरा हाथ बहुत इजीली मूव कर रहा है, तो मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स इंतहाई दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, उनमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से इतना इजीली हम उसमें मूव कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्टेट्स होगी मैटर की, इनके बारे में कुछ पढ़ने से पहले हम इनके सेंटर में जो मौजूद फोर्सेस हैं उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए मैटर्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, या तो वो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वो होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कौन सी फोर्सेज होती हैं, इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस को कहा जाता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, एक एटम पे भी मुश्तमिल होते हैं लेकिन समटाइम दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट यूनिट को आप क्या कह रहे होते हैं, मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। तो देखिए सॉरी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट फोर्सेस, दो सेपरेट मॉलिक्यूल हैं, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अगर कोई कशिश की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी।
देखें लाइक ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये दो एटम्स हाइड्रोजन एटम और Cl एटम से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स, ठीक है। और इसकी टाइप क्या हो सकती है, इट कैन बी अ डाइपोल डाइपोल फोर्स, इट कैन बी अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स, इट कैन बी अ डिबाय फोर्स, इट कैन बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स, ठीक है। कोई भी इस तरह की फोर्स जो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये पहली टाइप हो गई। अभी इनके बारे में अगर मजीद खसूसियात पढ़ें तो इनमें कोई वैलेंस शेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें वैलेंस शेल का कोई रोल नहीं होता, बल्कि एक बना हुआ मॉलिक्यूल जो है उसके सिर्फ पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ ये पोल्स की अट्रैक्शन की वजह से ये फोर्सेस क्रिएट होती हैं। इसके अलावा यही फोर्सेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती हैं। लाइक अगर आपके पास ये सब्सटेंस है इसको आपने बॉयल करना है तो इसका क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल को यहाँ से दूर करके आपने एवेपोरेट कर देने, ठीक है, या सॉलिड को अगर आपने मेल्ट करना है तो इसका क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ा के उसको दूर दूर कर देने। देखिए मेल्टिंग का यही मतलब होता है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, तो आप कैसे सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर दूर करेंगे, स्पेस ज़्यादा करेंगे, हीट एनर्जी देने के बाद उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा ओवरकम कर देंगे, उनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि मेल्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो उनको मेल्ट करना मुश्किल है, मतलब उस फोर्स को तोड़ के उनको थोड़ा सा दूर दूर करना या उस फोर्स को थोड़ा वीक करके दूर दूर करना मॉलिक्यूल्स को मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी से कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है, कि अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी मॉलिक्यूल्स को दूर करना मुश्किल होगा, ज्यादा हीट लगेगी उनको मेल्ट करने में तो हम कहेंगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उनको ओवरकम करके दूर करना मॉलिक्यूल्स को, उन फोर्सेस को मजीद वीक करके मॉलिक्यूल्स को दूर करके मेल्ट करना आसान हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स को आपने मजीद दूर करके गैसेस फॉर्म में लेके जाना होता है, जैसे कि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वही प्रेशर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर वेपर्स बन जाते हैं जब किसी लिक्विड के, तो उनका प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मतलब इसमें आपने करना क्या होता है, वेपर प्रेशर क्रिएट करना होता है, लिक्विड्स को गैस में चेंज करना है, तो इसमें भी वही काम करना है आपने कि मॉलिक्यूल्स को थोड़ा मजीद दूर करना है, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट फोर्सेस, ये दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्स जो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होती है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं कि जिनके मुकाबले में ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम किस तरह के फोर्सेस को कहते हैं, ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में आपने क्या बात की कि ऐसी फोर्सेस जो दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के सेंटर में पाई जाती हैं, दो HCl के मॉलिक्यूल के सेंटर में जो फोर्सेस पाई जा रही हैं, जैसे अगर एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अगर कोई फोर्स है इन दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो वो क्या कहलाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर ये एक ही मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान में आपस की बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, लाइक इस कैप और मार्कर, ये दो सेपरेट एटम है जो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो इन दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और दो सेपरेट मॉलिक्यूल जब बन चुके हैं अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या कहलाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और दो सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इनके सेंटर एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। लाइक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान प्रेजेंट फोर्स को आप क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इट कैन बी अ आयोनिक बॉन्ड, इट कैन बी अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये तमाम ऐसे बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल में
मौजूद एटम्स के दरमियान पाए जाते हैं उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके बनने में अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, अभी तक आपने बहुत बार पढ़ लिया हुआ है कि आयोनिक बॉन्ड किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन दे देने से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन ले लेने से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लेना देना, गेन एंड लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में। कवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, दो एटम्स जो ज्वाइन हो रहे होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। लाइक अगर ये एक और एग्जांपल हम लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इनके जो दो ज्वाइन हो रहे हैं इन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन ने दिया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या गेन एंड लॉस से ये बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स की सिर्फ पोल्स की अट्रैक्शन थी, तो उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे मज़ीद देखें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती हैं। लाइक आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनसे अफेक्ट नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड से या कवलेंट बॉन्ड से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बॉयल करने का ये मतलब नहीं होता कि आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ के वेपराइज कर रहे हो, बॉयल करने का मतलब या वेपर्स में जाने का मतलब होता है कि वही मॉलिक्यूल एज इट इज अपने बाकी मॉलिक्यूल्स से सेपरेट होकर ऊपर वेपर्स की फॉर्म में उठ रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स अगर आपने इनको दूर किया है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सॉलिड से लिक्विफाई किया है, तो मॉलिक्यूल्स को आपने थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दिया है, ऐसा नहीं किया कि मॉलिक्यूल के को तोड़ के, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल थे तो आपने हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करके उनको मेल्ट किया है, ऐसा नहीं होता। वो पानी ही रहता है, वो मॉलिक्यूल बना रहता है, उनके दरमियान इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम्पैक्ट रहती हैं कवलेंट जो आयोनिक बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल एज इट इज पूरे का पूरा एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस में चला जाएगा या सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के केस में, या लिक्विड से गैस में जाएगा इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जाएगा। उस मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल मौजूद फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही होती इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जाहिर है इनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस हो रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस से एक मजबूत किस्म की फोर्स क्रिएट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं। जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जस्ट पोल्स एक स्लाइट सा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वीकर फोर्सेस हैं, जस्ट पोल्स की हल्की सी अट्रैक्शन है जो कुछ देर के लिए बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, ये बनती और टूटती रहती हैं ये फोर्सेस, ठीक है। लेकिन ये फोर्स जब एक दफ़ा बन जाती है तो वो बनी रहती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई आपके सामने, दो HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो अगेन मैं समराइज करती हूँ जो मैंने आपको दो फोर्सेस दो टाइप पढ़ाई हैं फोर्सेस की, कि एक मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद फोर्स को आप कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। और दो सेपरेट मॉलिक्यूल जब बन चुके हैं तो उनके दरमियान जो पोल्स की हल्की सी अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो वीक होती है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लाइक आयोनिक बॉन्ड एंड कवलेंट बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर।